रहीम, आज हमने अहमदपुर सियाल में जंग नवीन बनाओ तहरीक के कायदीन से भी मुलाकातें और मुशावरत की है। जैसे कि अलिया ने जंग को मालूम है, जंग नवीन बनाओ तहरीक के तमाम धड़े जो जंग में काम कर रहे थे पूरे ज़िला में और तहसीलों में, उन्होंने जंग के वसीतर मफाद में इकट्ठे होने का फ़ैसला किया है और वो इतिहादी पॉलिसी और प्लानिंग बना रहे हैं। उनमें तकरीबन 70 से 80% तक की क़ियादत इस वक्त तक इतिहाद के लिए कायल हो चुकी है, मुतहद हो चुकी है, ऐलान करना बाकी है। आज अहमदपुर सियाल में भी हमारा दौरा इसी हवाले से भी था और इस दौरान जो है अच्छी पेशरफ्त हुई है और इंशाल्लाह जंग नवीन बनाओ तहरीक के इस इतिहादी और इतफाक़ी एजेंडे को अहमदपुर सियाल से बड़ी अहम खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। और इस दौरान डॉक्टर एजाज अहमद चिश्ती साहब से भी हमारी मुशावरत रही, जो जंग यूथ अलायंस के कायद हैं, बानी हैं, और जंग यूथ अलायंस ने भी जंग नवीन बनाओ तहरीक के साथ चलने का अज़म का इजहार किया है कि ये नवीन बनाना एक अहम जंग का बहुत पुराना मुतालबा है और इसके लिए हम तगदो करेंगे। हम इनके शुक्रगुजार हैं और जंग यूथ अलायंस इंशाल्लाह इस इतिहादी मुहिम का हिस्सा बनेगी और इस इतिहादी मुहिम में बाज़ाबता बेहतरीन किरदार अदा करेगी।